हेलो एवरीवन। तो हम लोग हीमोग्लोबिन पढ़ रहे थे। हीमोग्लोबिन हम लोगों ने पिछली क्लास में कोऑपरेटिव इफेक्ट पढ़ा था। फिर मैंने उसमें आपको समझाने की कोशिश की थी कि अगर कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं होगा तो अगर हम एक ऐसी डाई ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन लेते हैं जिसकी ऑक्सीजन के लिए इफिनिटी बहुत ज़्यादा है तो भी वो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएगी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम मायोग्लोबिन ले लेते हैं या ऐसी प्रोटीन ले लेते हैं जिसमें पार्शियल प्रेशर मतलब 50% सेचुरेशन अगर वन टॉर प्रेशर पर होता है तो वो लंग्स में जो होगा 99% सेचुरेशन होगा, और जो टिश्यू जहाँ पर 40 mmHg होता है या 40 टॉर प्रेशर होता है वहाँ पे वो होगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 97.4 या 97.6। मतलब ओवरऑल जो हमें ऑक्सीजन मिलेगी इस सप्लाई की तो कितनी होगी, सिर्फ 1.4% होगी। मतलब हमें लिमिटेड ऑक्सीजन, इतनी ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी जिससे हम सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट। इसका मतलब हम मायोग्लोबिन को नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब ऐसा सिस्टम नहीं ले सकते जिसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा हो और जो सिस्टम जो है कोऑपरेटिव इफेक्ट ना सो करे। फिर हमने बोला था चलो ठीक है, अगर हाई एफिनिटी वाली प्रोटीन नहीं लेते हैं तो हम लो एफिनिटी की प्रोटीन ले लेते हैं। लो एफिनिटी में हमने देखा था कि हमने कंसीडर किया था एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास कोई ऐसी डाई ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है जिसमें जो है उसका 50% सेचुरेशन हो रहा है 60 टॉर प्रेशर पे। अगर 60 टॉर पे 50% हो रहा है तो हमने देखा था कि उसका सेचुरेशन ही 62.5% होता है। फिर टिशू में देखा तो टिशू में जो है वही प्रोटीन कितनी सेचुरेटेड थी, 40%। तो 62 सेचुरेशन कहाँ था लंग्स में, 40% कहाँ था टिश्यू में। इसका मतलब डिफरेंस कितना का है, 22.5 का। तो इसका मतलब उतनी ही ऑक्सीजन रिलीज करेगा वो, ठीक है, उतनी ऑक्सीजन सफिशियंट है हमारे लिए। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि अगर मान लो पार्शियल प्रेशर कम हो गया लंग्स में तो फिर वो 62.5 से और कम हो जाएगा। मतलब मान लो हमें पहाड़ों पर चढ़ना है तो उसमें पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहेगा, ऑक्सीजन प्रेशर कम रहेगा तो अगर वो 100 टॉर पे 62% सेचुरेट हो रहा है तो अगर प्रेशर कम होगा तो सेचुरेशन क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। सेचुरेशन अगर और कम हो गया तो सप्लाई क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। दूसरा, उसके पास 40% ही रिमेनिंग था कि मतलब अगर सडन कोई रिक्वायरमेंट पड़ जाए, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उसके पास है भी नहीं इतनी कि वो सप्लाई कर दे। अच्छा, ज़रूरत कैसे पूरी होती थी, पार्शियल प्रेशर उधर कम हो जाएगा तो रिलीज कर देगा वो। फिर हमने देखा था हीमोग्लोबिन के केस में, हीमोग्लोबिन केस हमने देखा था कि जब वो हीमोग्लोबिन जो होता है 50% सेचुरेशन था 26 टॉर प्रेशर पे। पिछली क्लास आप देखना जरूर, आपको ये सब कुछ मैंने करवाया है। 26 टॉर प्रेशर पे हमने देखा था कि वो 50% सेचुरेशन था 26 टॉर प्रेशर पे, राइट। उसके बाद हमने देखा कि अगर वो 100 टॉर हम लोग प्रेशर ले लेते हैं मतलब लंग्स में जब 100 टॉर प्रेशर होता है तो कितना सेचुरेटेड था, लगभग वो 97.5। जब वो टिशू में गया था टिशू में कितना सेचुरेशन था, अप्रॉक्सीमेटली 75। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 22.5% ऑक्सीजन उसने रिलीज किया। फ़ायदा देखो इसमें क्या है, फ़ायदा ये है कि रिलीज करने के बाद जो आपके पास हीमोग्लोबिन बची है वो अभी 75% सेचुरेटेड है। मतलब ये है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फिर से ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है क्योंकि उसके पास हाई कंसंट्रेशन है, राइट। जबकि जहाँ पर 40% सेचुरेशन था वो इतना नहीं कर सकता था, राइट। दूसरा एक चीज़ और है, क्योंकि 100 टॉर प्रेशर पे 97% सेचुरेशन है। मान लो हमको पहाड़ों पे अगर चढ़ना है तो ये भले अगर 100 टॉर पे मान लो प्रेशर अगर कम हो गया, 80 टॉर हो गया, 90 टॉर हो गया, तब भी सेचुरेशन इतना ज़्यादा होगा कि वो इनफ ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है वो। लेकिन अगर हम ऐसा कोई सिस्टम लेते हैं जो नॉन कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करता है, जैसे कि हमने किया था जहाँ पर हमने दूसरा एग्जांपल देखा था वहाँ पे, तो वो उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो अगर कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं करता हीमोग्लोबिन तो हमें जो जो फंक्शन हम कर सकते हैं वो फंक्शन हम शायद नहीं कर पाते। या ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पर जिन जिन लोगों में ये सब प्रॉब्लम होने लगती है, जहाँ पर ये दिक्कत होने लगती है, इसका मतलब वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती। इसीलिए कोऑपरेटिव बाइंडिंग इसेंशियल है, राइट, जिससे हम वो काम भी कर सकें। मतलब हम वहाँ के लिए भी अडॉप्ट हो जाएँ जहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम है, हम वहाँ के लिए भी अडॉप्ट रहें जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। तो मतलब हम ऐसे एटमॉस्फेयर में भी सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, और हम पहाड़ों पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, माउंटेन्स पे भी जा सकते हैं जहाँ ऑक्सीजन कम है, क्योंकि हमारी हीमोग्लोबिन खुद को ऐसे अडॉप्ट करेगी कि वो नियर अबाउट इनफ ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड कर दे, क्योंकि वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करती है। अगर वो नहीं करती तो शायद ऐसा नहीं होता, हम लोग यहीं वहीं पर सर्वाइव कर पाते जहाँ पर हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई थी। माउंटेन्स पे या ऐसी जगह पे नहीं जा पाते जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, राइट। तो हम लोगों ने कोऑपरेटिव पढ़ लिया था, क्यों होता है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब लोग हम आज पढ़ेंगे बोहर इफेक्ट के बारे में, राइट। बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट क्या है, देखो, देखा ये गया है कि जैसे जैसे पीएच कम होता है, राइट, पीएच कम होने का मतलब एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे पीएच कम होता है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन की डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, राइट।
डिस्कवर्ड बाय, पहले लिख लेते हैं किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन बोहर, राइट। क्या है ये? ऑन डिक्रीजिंग पीएच डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी, डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेज, मतलब सिंपल है कि जैसे जैसे पीएच जो हमारा घटेगा या जैसे जैसे हमारी एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे जो होगा हीमोग्लोबिन की डाइक्सीजन को बाइंड करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम, राइट। दैट इज यहाँ लिख सकते हैं एज कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंक्रीजेज, राइट, डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेज, राइट। क्यों ऐसा होता है इसको हम आराम से समझते हैं, ठीक है। और ये जरूरी भी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो मसल्स में जो होता है ऑक्सीजन, देखो सिंपल समझो क्यों जरूरी है ये, व्हाई इट इज एसेंशियल, देखते हैं इधर, व्हाई इट इज या वाई बोहर इफेक्ट, वाई बोहर इफेक्ट इज नेसेसरी, राइट, वाई बोहर इफेक्ट राइट, इसे फायदा क्या है, देखो समझो यहां पर टिश्यू में क्या होता है, इन टिश्यूज, इन टिश्यू राइट फूड का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब सिंपल C6H12O6 प्लस O2 6O2, यहां पे क्या बनेगा 6CO2 प्लस H2O, और यहाँ पर क्या मिलेगी एनर्जी, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं H2CO3, दैट इज क्या H प्लस SCO3 माइनस, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है, तो इसका मतलब टिश्यू में क्या है लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि यूटिलाइज हो रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर पीएच क्या है हमारे पास, पीएच भी कम है क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो देखो क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज हो रहा है, राइट, किसमें, फूड के ऑक्सीडेशन में यूटिलाइज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब हमें यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए। तो हीमोग्लोबिन अगर यहाँ पर ऑक्सीजन लेके आता है, हीमोग्लोबिन अगर यहाँ ऑक्सीजन लेके आता है टिश्यू में, तो इसको ऑक्सीजन को रिलीज करना चाहिए यहाँ से HB प्लस, यहाँ मायोग्लोबिन से रिएक्शन करके 4MbO2, ठीक। तो ध्यान से सुनो, ये जो यहाँ पर सिस्टम है ये H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, अगर ये सिस्टम जो है H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब pH कम है, राइट। अगर ये pH, अगर ये सिस्टम जहाँ पर pH कम है, अगर ये किसी तरह से ऐसा कुछ करे कि ये जो है जल्दी से ऑक्सीजन रिलीज कर दे, राइट, जल्दी से ऑक्सीजन रिलीज कर दे, तो हमें क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है वो इफेक्टिवली हमें मिल जाएगी, हमें क्या हो जाएगी इफेक्टिव सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगी, इफेक्टिव सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी। अगर मान लो बोहर इफेक्ट नहीं होता तो क्या होता, अगर बोहर इफेक्ट नहीं होता तो ये जो हीमोग्लोबिन है जो यहाँ पर रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन, वो उतनी आसानी से ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, क्यों नहीं करता अभी आपको समझ में आएगा। एच प्लस कंसंट्रेशन यहाँ पर होने से जो ये चेंज हो रहा है उससे हमें इफेक्टिव ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है, बिकॉज जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो जल्दी से ऑक्सीजन को रिलीज कर दे रहा है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर H प्लस कंसंट्रेशन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता तो सिंपल सी बात है ये अपनी ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता यहाँ पे, राइट। तो नेचर ने हीमोग्लोबिन को डेवलप ही ऐसे किया है कि pH चेंज करने पर उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी भी बदले, कोऑपरेटिव वाला फैक्टर भी नेचर ने इसमें दिया है, और दूसरा एक फैक्टर और दिया है कि pH चेंज होने पर उसकी डाइऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, क्यों, क्योंकि अगर H प्लस कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पर, लो pH होने पर वो जल्दी से ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा, तो हमें
जहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए टिश्यू में, हमें इफेक्टिव ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाएगी। इसका मतलब सिंपल है, बोअर इफेक्ट होने से क्या फ़ायदा है? बोअर इफेक्ट होने से ये फायदा है कि हमें इफेक्टिव ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि जो डाई ऑक्सीजन आएगा वो जल्दी से हमें ऑक्सीजन रिलीज कर देगा जिसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि जो भी डाई ऑक्सीजन यहाँ पर है वो फूड स्टफ को ऑक्सीडाइज करने में कंज्यूम हो गई है, राइट। इसका मतलब बोअर इफेक्ट नहीं होता तो हमें पॉसिबिलिटी ये थी कि हमें इफेक्टिव ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती या हीमोग्लोबिन जल्दी से ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितनी जल्दी रिक्वायरमेंट हमें होती है, वो शायद सप्लाई हमें नहीं मिल पाती। इसका मतलब बोअर इफेक्ट हमारे लिए इसेंशियल है जिससे हम प्रॉपर फंक्शनिंग करें। प्रॉपर फंक्शनिंग का मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी रिएक्शन हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से होते रहे, जो भी रिएक्शन का मतलब स्पेशली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, राइट। अब देखो बोअर इफेक्ट में होता क्या है, कैसे ये डाई ऑक्सीजन एफिनिटी को चेंज करता है बाय चेंजिंग पीएच। ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है। देखो ये देखो, हमारे पास ये एन है, एन है। एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पहले देखो इधर, यहां पर एन हिस, उसके बाद यहां पे प्रोटीन, यहां पे सीओ माइनस, यहां दूसरा सिस्टम जो है आयरन, आयरन ये डिऑक्सी फॉर्म है, राइट। एन हिस NH3+, एन के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग है। इस तरह ये सी ओ माइनस हो सकता है, राइट। ये यहाँ पर ये डायग्राम हम लोगों ने कोऑपरेटिव इफेक्ट में बनाया था, ये डिऑक्सी फॉर्म है, राइट। ऑक्सी फॉर्म, मैं अब दूसरी नोट बनाता हूँ। ऑक्सी फॉर्म में क्या होता है, ऑक्सी फॉर्म में आयरन कैविटी के बीच में आ जाता है, ऐसे ऐसे। यहाँ डाई ऑक्सीजन हो गया, यहाँ एन हिस, यहाँ पर। अब सिंपल सी बात है, जब ये यहाँ से ड्रॉप करेगा तो इसका मतलब सिंपल, ये खिसक जाएगा, ये खिसक जाएगा तो ये भी तो नीचे आएगा, ये आएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। जब ये छोटा हो जाएगा, जब ये कैविटी में आएगा तो ये बॉन्ड खिंचेगा, ये खिंचेगा तो ये भी तो खिंचेगा, तो पूरा सिस्टम कहाँ जाएगा, नीचे। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये सी ओ माइनस ऐसे रहेगा, इसका NH3+ जो है ऐसे रहेगा। दूसरा वाला जो ये वाला है, इसको मैं ड्रॉ करूँ अगर, तो कंपेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इधर ऐसे, यहाँ आयरन ऑक्सीफॉर्म और यहाँ जो है एन हिस, यहाँ क्या हो गया हमारे पास NH3+ फ्री स्टेट में है, राइट, और सी ओ माइनस हमारे पास ऐसे रहने दो। जरा ध्यान से देखो, ये है जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुआ है, ये कब का है, ये ऑक्सी फॉर्म है, ठीक। जरा ध्यान से देखो, इसके पास भी एच प्लस है, राइट। NH3+ इसका मतलब एच प्लस दे सकता है, एसडिक है, ये एसडिक नेचर है, राइट, एसडिक सिस्टम है। और ये भी क्या है, ये भी एसडिक सिस्टम है। लेकिन देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ज्यादा एसडिक कौन है दोनों में, तो सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा एसिडिक नहीं है, क्योंकि इसका प्रोटॉन कहाँ इन्वॉल्व है, सिस्टम कहाँ इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, राइट। इसका मतलब ये जो है क्या है, वो लेस एसिडिक, राइट, ठीक है। और जो हमारा ऑक्सी फॉर्म है, ये क्या है हमारा, मोर एसिडिक, ठीक है। क्लियर हुआ इतना कि जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जो हमारा डिऑक्सी हीमोग्लोबिन है, दोनों के दोनों एसिडिक करेक्टर होते हैं, और जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो मोर एसिडिक है, उसकी पी के वैल्यू कम है कंपेरिजन टू किसके, डिऑक्सी हीमोग्लोबिन के। एक बात यहाँ से क्लियर हुई, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपको बोहर इफेक्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, देखो एक चीज़ में पता चल गया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एच प्लस, अगर यहाँ हम लिखें ऐसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्लस एच प्लस, और यहाँ लिखें हम डिऑक्सी हीमोग्लोबिन एच प्लस, इसको हम डिसोसिएट करें डिऑक्सी एच बी, डिऑक्सी हीमोग्लोबिन प्लस एच प्लस। तो यहाँ जो है पी के वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पर लेते हैं हम पी के ए 1 और यहाँ पे लेते हैं पी के ए 2, सिंपल सी बात है पी के ए 2 क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू किसके, पी के ए 1 के, क्योंकि सिंपल सी बात है जो ज़्यादा एसिडिक होता है उसका पी के कम होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो है मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक है, ये क्या है, लेस एसिडिक है, ठीक है, राइट। अब ध्यान से देखो,
लंग्स में क्या होता है? लंग्स में जब ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, ध्यान सुनो, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है जिसके पास एच प्लस है, वो अपना प्रोटॉन किसको दे देता है? एच सी ओ थ्री माइनस को, जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्लस एच टू सी ओ थ्री। और ये एच टू सी ओ थ्री यहाँ से क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एच टू ओ प्लस सी ओ टू यहाँ से एक्सहेल हो जाता है, बाहर चला जाता है, राइट। अब ये जो है ये किसके अंदर होता है? आर बी सीज के थ्रू ये कहाँ पहुँचता है? टिश्यू में, मतलब टिश्यू में पहुंचा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, उसने अपना प्रोटॉन किसको रिलीज कर दिया है? उसने अपना प्रोटॉन दिया किसको? जो हमारे पास एच सी ओ थ्री माइनस आया था। अभी आपको सब पता चलेगा कि कैसे आया था, ठीक। तो इसका बाद यहाँ पे टिश्यू में पहुंचा। अब ध्यान से देखो, टिश्यू में ये कैसे है? ओपन स्टेट में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जैसे मान लो, समझने के लिए बताते, देखो ऐसे देखो, यहाँ पर क्या है? एन एन एन, ये ऐसे है, ये है इस तरह से, और उसके बाद यहां पर एन हिस है, मान लो यहां पर सी ओ माइनस है, यहां मान लो एन एच टू इस फॉर्म में, मान लो इसने प्रोटॉन रिलीज किया है, वो वाला एन एच टू है, ठीक है। अब टिश्यू में ये पहुंचेगा तो हमें पता है कि टिश्यू में क्या है? एच प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, क्योंकि टिश्यू में क्या है? एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन, राइट। ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? ये एन 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 ऐसे, राइट। अब यहां ये कैसे हो गया? एन हिस, यहां एन एस थ्री प्लस, यहां क्या हो गया? सी ओ माइनस। जरा ध्यान से देखो, क्या ये अकेला यूनिट तो होगा नहीं, इसके साथ और भी होंगे ना। तो खुद सोचो कि जैसे ये वाला हमारा एक एक ही यूनिट है, ये मतलब एक ही में चार होते हैं ना हीमोग्लोबिन में, दूसरा वाला भी तो होगा, दूसरे वाले में भी ऐसे प्रोटोनेशन होगा। अब दूसरे वाले में हुआ तो दूसरा वाला भी ऐसा है, उसमें भी अगर प्रोटोनेशन। अब ध्यान से देखो इससे होता क्या है, प्रोटोनेशन अगर सबका हो रहा है तो देखो क्या होगा इससे। इसमें जो इसके पास सी ओ माइनस है, वो इससे बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा कि नहीं? जब प्रोटोनेशन हो जाएगा, एन एच टू का प्रोटोनेशन हो गया, एन एच थ्री प्लस बच गया, तो ये अकेला तो होगा नहीं, चार लोग हैं ना। देखो अकेला होता तो बोहर इफेक्ट नहीं होता। अभी आपको आराम से समझो, मैं आपको समझाता हूँ कि मायोग्लोबिन में क्यों नहीं होता। ध्यान सुनो, क्योंकि हीमोग्लोबिन पॉलीमेरिक होता है, तो एक यूनिट नहीं है, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, दो यूनिट और होंगे। हम दो से समझ लेते हैं। जब टिश्यू में आया, जहाँ पर एच प्लस यहाँ पर पी एच कम है, मतलब एसिडिक कंडीशन है, तो जो ये लंग्स में ये प्रोटॉन दे के वहाँ से निकला था, मान लो इसका एन एच टू ग्रुप है, तो ये एन एच टू ग्रुप का प्रोटोनेशन हुआ, दूसरी यूनिट इसके साथ है, तीसरी यूनिट भी इसके साथ है, चौथी यूनिट भी इसके साथ है। तो अगर प्रोटोनेशन होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये लोग क्लोज आना शुरू करेंगे, पहले दूर दूर हो गए थे लेकिन अब क्या है? क्लोज आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बढ़ जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अगर क्लोज आना शुरू करेंगे तो कौन सी स्टेट को अडॉप्ट कर रहे हैं? देखो जरा इधर देखो, कहाँ क्लोज है ये लोग, ये कौन सा स्टेट है? ये टी स्टेट है, राइट। तो अगर ये टी स्टेट में आना शुरू करेगा तो आपको पता है, ध्यान सुनो, जब टी स्टेट में आना शुरू करेगा तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी क्या होती है टी स्टेट की? कम होती है। तो क्या होगा? जैसे ही ये इंट्रेक्शन करेगा, जैसे ही इंट्रेक्शन करेगा, ध्यान से सुनो, ये इंट्रेक्शन करेगा ना, तो ये आयरन क्या चाहेगा? कि ऊपर की तरफ जाए, जिससे इंट्रेक्शन इफेक्टिव हो। तो क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन को छोड़ना शुरू करेगा। और जैसे ही पहला ऑक्सीजन निकला, राइट, जैसे ही पहला ऑक्सीजन निकला, दूसरा और आसानी से निकला, जो कोऑपरेटिव हमने पढ़ा था, राइट। तो पीएच जैसे यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ है, यहाँ पे बाकी सब यूनिट में प्रोटोनेशन होगा, सब यूनिट में अगर प्रोटोनेशन होगा, सारे लोग सॉल्ट ब्रिज बनाना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना शुरू कर देंगे। वो लोग कौन सी स्टेट को फेवर करना शुरू कर देंगे? टी स्टेट को। टी स्टेट मतलब डिऑक्सी फॉर्म को। अब जैसे टी स्टेट की तरफ जाएगा, इसका मतलब सिस्टम क्या है? वो ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर देगा। इसीलिए जब पीएच कम होता है तो जल्दी से क्या होता है? ऑक्सीजन को रिलीज करने लगता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोहर इफेक्ट बोलते हैं, राइट। तो ये प्रोटोनेशन की वजह से हुआ, चेन में प्रोटोनेशन हुआ, ये लोग इंट्रेक्शन करना शुरू किए, किसकी तरफ भागना शुरू कर रहे हैं? टी स्टेट को, जहां पर इंट्रेक्शन, पीछे देखो इधर, टी स्टेट में ही इंट्रेक्शन है। इसको ऑक्सीफॉर्म को क्या बोलते हैं? आर स्टेट, इसमें नहीं इंट्रेक्शन है। तो जैसे ही प्रोटोनेशन होगा, फिर से ये दोबारा उसी स्टेट को अचीव करना चाहेंगे, उस स्टेट की तरफ अगर भागेंगे तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे? रिलीज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो पीएच ज्यादा होने से ये लोग
टी स्टेट की तरफ भागेंगे, क्योंकि प्रोटोनेशन होगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फिर से स्ट्रांगली डेवलप होना शुरू हो जाएगा और सिस्टम जो है वो टी स्टेट की तरफ भागेगा। टी स्टेट का मतलब ईसद, ये खिसकना शुरू हो जाएगा इधर उधर। ऑक्सीजन की बॉन्डिंग जो है फिर क्या हो जाएगी, ये वीक हो जाएगी। अगर आयरन ऊपर की तरफ, इधर देखो, अगर ये इंट्रेक्शन हुआ और आयरन इसकी तरफ भागना शुरू किया कि इफेक्टिव हो जाए, तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड कमजोर हो जाएगा ना, तो यहाँ से डाइऑक्सीजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए जब पीएच कम होता है तो डाइऑक्सीजन क्या होता है, निकल जाता है, जल्दी से चला जाता है, राइट। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जैसे जैसे पीएच डिक्रीज करेगा वैसे वैसे टी स्टेट को फेवर करेगा, टी स्टेट को फेवर करेगा, और टी स्टेट की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी क्या होती है, कम। इसका मतलब सिंपल, जो भी ऑक्सीजन उसके पास लगा हुआ है उसको क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा। ठीक है, तो यहां सिंपल लिख सकते हैं, एज पीएच डिक्रीजेज टी स्टेट फेवर्स, हेंस डाइऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीजेज, डाइऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीजेज। ठीक है, तो इसीलिए पीएच कम करने पर ऐसा होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर सिंपल क्या हुआ, इसका मतलब ये है, अब देखो H2CO3 प्रोटॉन कहाँ से मिला, इसको H प्लस HCO3 माइनस, ये कहाँ चला गया, हीमोग्लोबिन के पास, राइट। तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये HbH प्लस किसके अंदर है, ये RBC के अंदर, ये कहाँ, प्लाज्मा में, राइट। देखो इसको ऐड करने से फायदा क्या हुआ, किसने ऑक्सीजन जल्दी से रिलीज कर दिया। अब ये जो प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन है ये किसके अंदर, हीमोग्लोबिन तो राइट ब्लड सेल के अंदर होती है ना, इसके अंदर रहेगी ये प्लाज्मा के थ्रू, ये दोनों कहाँ पहुँचेंगे जाके, लंग्स में, राइट। लंग्स में क्या होगा, प्लाज्मा के थ्रू ये आया है, तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड, ध्यान से सुनो, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, आपको पता है ये कौन सी हीमोग्लोबिन है, ये है डी ऑक्सीजनेटेड, राइट। अब यहाँ ऑक्सीजनेटेड लंग्स में HCO3 माइनस है, यहाँ पर डी ऑक्सीजनेटेड भी है, ये वाली भी पहुँचेगी, डी ऑक्सी HbH प्लस प्लस HCO3 माइनस, कौन सा फेवर होगा, ये वाला, क्यों, ये प्रोटॉन देगा ना, क्योंकि ये मोर एसडिक है, अभी देखा था तो हमने, ये मोर एसडिक है, राइट। ये इसको प्रोटॉन देगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सी HB प्लस H2CO3। ठीक है, ये फिर से क्या करेगा, O माइनस लेना शुरू करेगा यहाँ से, उसके बाद यहाँ से देखो फिर क्या होता है, ये H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हुआ, ये एक्सेल्ड हो जाएगा, और ये फिर से कहाँ चला जाएगा, टिश्यू में, फिर आएगा, फिर इसे साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, और आपको पता है, देखो ये क्या काम कर रहा है, ये ऐसा थोड़ी, देखो दो एक काम और कर रहा है, ये ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को तो कम कर ही रहा है, जिससे कि क्या हो, जल्दी से ऑक्सीजन रिलीज हो जाए। दूसरा काम देखो, ये CO2 को भी तो ला रहा है, जो HCO3 माइनस वहाँ था, इसने इसको प्रोटॉन लिया, इसको यहाँ से क्या किया, यहाँ से ये प्लाज्मा के थ्रू लंग्स में, इसका मतलब ये CO2 के, देखो सिंपल सी बात है, इसको जितना ज़्यादा, ध्यान सुनो, जितना ज़्यादा इसको ये एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से यहाँ कन्वर्जन उतना क्या होगा, फेवरेबल, राइट। इसका मतलब सिंपल है, जो H2CO3 है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में कन्वर्ट होगा, बाइकार्बोनेट में, जितना कन्वर्ट होगा ये आयन जो है प्लाज्मा के थ्रू उतना जल्दी लंग्स में पहुंचेगा, वहां पर फिर से क्या हो जाएगा, कार्बन के नाइट्रेट जिसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, CO2 में। इसका मतलब ये सिर्फ डाइऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी, मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को निकलवा ही नहीं रहा है, या हीमोग्लोबिन की डाइऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी को कम ही नहीं कर रहा है, ये CO2 के ट्रांसपोर्ट में भी काम कर रहा है, राइट। ये CO2 को टिश्यू से कहाँ ले रहा है, लंग्स में, वहाँ से कार्बोनिक एनहाइड्रेट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, CO2 और वाटर में, जहाँ से बाहर निकल जा रहा है, राइट। तो ध्यान रखो, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये CO2 के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, नियर अबाउट 60-70% ऑक्सीजन इसी तरह से बॉडी से बाहर निकलती है। मतलब हीमोग्लोबिन क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई का काम नहीं कर रहा है, हीमोग्लोबिन क्या है, वो CO2 के ट्रांसपोर्ट का भी है, CO2 को एक्सहेल करने में हेल्प कर रहा है, नियर अबाउट 60-70% ऑक्सीजन इसी प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलती है। यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिख सकते हैं हम लोग, दस हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कितना, नियरली 60-70%। ठीक है,
राइट, ये क्लियर हो गया। अच्छा देखो 60-70% इसके थ्रू होता है। कभी कभी क्या होता है, देखो एक प्रोसेस और होती है साथ में, वो भी डाई ऑक्सीजन बॉन्डिंग को, वो भी जो है डाई ऑक्सीजन एफिनिटी को हीमोग्लोबिन के कम करती है। देखो कैसे, ध्यान देखो, जो हमारे हीमोग्लोबिन है प्रोटीन चेन में, प्रोटीन चेन में क्या है, हमने देखा था ना RNH2 ग्रुप, हमने देखा था ना कि जो ऑक्सी पार्ट है प्रोटॉन रिलीज कर देगा तो उसके पास NH2 ग्रुप बचेगा। ये NH2 जो है ये डायरेक्टली CO2 से रिएक्शन कर सकता है। CO2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, RNHCO- + H+। मतलब ये ऐसे को देखो ध्यान से, RNHCO- ऐसे कर सकता हूँ, माइनस ये बनाएगा कार्बामेट, जिसको बोल सकते हैं हम लोग कार्बामेट। मतलब ये भी पॉसिबल है कि टिश्यू में जो फ्री एमीन ग्रुप है, फ्री तो होगा ही क्योंकि प्रोटॉन तो लूज कर गया है ना ये लंग्स में, उसको दिया है HCO3- को, तो वो जो NH2 ग्रुप है वो प्रोटॉन, ये प्रोटॉन भी ले सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल या हमारा इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करके कार्बामेट बना दे और यहाँ पे क्या रिलीज कर दे, H+, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या कर सकता है, जो अमीनो एसिड्स हैं, ध्यान सुनो, जो हमारे पास पहला सिस्टम मान लो ये है, हमारे पास दूसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट है, चौथी यूनिट है, इन सब में जो अदर अमीनो एसिड्स होंगे, जैसे मान लो इसकी बात हम करते हैं, मान लो यहां पर इसके साथ ही क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। देखो इससे क्या होगा, इससे का मतलब ये हुआ कि जो हमारी एक यूनिट थी, जो हमारी दूसरी यूनिट थी, जो बिल्कुल अलग अलग है, इन दोनों के बीच में फिर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, इसका मतलब कौन सी स्टेट जनरेट होना शुरू हो जाएगी, टी स्टेट। और टी स्टेट अगर जनरेट होना शुरू हुई तो इसका मतलब वो भी क्या करेगी, वो भी डाई ऑक्सीजन के रिमूवल को सपोर्ट करेगी, राइट। भाई टी स्टेट अगर होगा तो डाई ऑक्सीजन को क्या कर देगा, निकाल देगा वो। तो ये जो इंट्रैक्शन है ना, ये दिस ऑल्सो फेवर टी स्टेट, हेंस रिमूवल ऑफ डाइऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, डाइऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन से डाइऑक्सीजन को निकालेगा तो ही, साथ में खुद सोचो ये जो NSCO2 है, राइट, ये क्या होगा, पूरी पूरी चेन के साथ कहाँ पहुँच जाएगा, लंग्स में, ये पहुँच जाएगा ना वहाँ पे। भाई सिंपल सी बात है, ये सिस्टम जो है प्रोटीन, ये सिस्टम क्या है, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन की प्रोटीन चेन है उनके साथ ही तो जो बॉन्डिंग हुई है ये, और ये RBC के साथ कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा लंग्स में, वहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, देखो लंग्स में क्या होगा, इन लंग्स, राइट। अब ध्यान से देखो एक चीज़, यहाँ पर RNH2+CO2, ठीक है, RNHCO- + H+, ठीक। हमारे पास लंग्स में क्या है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, जो कि क्या है, मोर एसिडिक, राइट। ये क्या करेगा, H+ यहाँ बढ़ाएगा ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्लस H+, H+ अगर देगा तो H+ की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो किधर जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में, किधर आएगा ये, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आएगा तो इसका सिंपल से मतलब है जो CO2 हमारा है ये बाहर निकल गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सहेल्ड कर देंगे। इसका मतलब ये दो काम कर रहा है, CO2 को बाहर भी निकालने में हेल्प कर रहा है, राइट, CO2 को बाहर भी निकालने में हेल्प कर रहा है, ठीक। और दूसरा काम, एक काम और ये कर रहा है कि ये सिस्टम जो है, अब ध्यान से सुनो, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि जो ऑक्सीजनेटेड वाला हीमोग्लोबिन होता है वो एसिडिक ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब वो प्रोटॉन जब रिलीज करेगा तो इसका मतलब H+ की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे
तो जो आपका सिस्टम है किधर किधर भागेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन भागेगा ना, मतलब क्या बनने लगेगा आपका, ये और ये बनने लगेगा, तो CO2 निकल गया और ये फर्दर फिर आपका रहेगा चेन में, ये प्रोटोनेशन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन बाइंडिंग करेगा, आगे करेगा, राइट। यहाँ से CO2 जो बाहर है उसको निकाल सकता, इसका मतलब ये दूसरी प्रोसेस है, ये भी CO2 के ट्रांसपोर्ट में, मतलब CO2 के एक्सपल्सन में पार्टिसिपेट करता है, या CO2 के एक्सपल्सन में इसका भी रोल है, तो दोनों काम कर रहा है। दूसरा पाथवे, पहला काम क्या कर रहा है, पहला काम कर रहा है कि डायरेक्शन बाइंडिंग को कम कर रहा है, हीमोग्लोबिन जल्दी से ऑक्सीजन रिलीज कर दे, उसको फेवर कर रहा है। सेकंड थिंग ये CO2 के ट्रांसपोर्ट को भी फेवर कर रहा है, राइट। यहां लेकर ये क्या है, सेकंड पाथवे है, पहला तो था ही वो, ये सेकंड पाथवे है, और इसको बोलते हैं हाल्डेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड हाल्डेन इफेक्ट, ये बोहर इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां हम आगे लिख देंगे, नियरली 10% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डी ऑक्सीजनेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, क्योंकि अगर बाइंडिंग होना शुरू हो जाएगी तो टी स्टेट फेवर होना शुरू हो जाएगा, टी स्टेट फेवर होना शुरू हो जाएगा तो सिस्टम क्या करेगा, फिर वो रिलीज कर देगा, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो समझ में आया कि बोहर इफेक्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि बोहर इफेक्ट अगर नहीं होगा तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन जल्दी से रिलीज नहीं होगा। बोहर इफेक्ट क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ऑक्सीजन की सप्लाई को, जिससे जल्दी से ऑक्सीजन को रिलीज कर दे। दूसरा एक चीज़ और करेगा, CO2 के ट्रांसपोर्ट में भी काम कर रहा है वो, इसका मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 के ट्रांसपोर्ट में भी पार्टिसिपेट करता है, 60-70% वहाँ से, 10% यहाँ से, बाकी जो है अदर पाथवे से CO2 जाता है, लेकिन मेजरली इसी पाथवे जाता है, ठीक है। तो बोहर इफेक्ट जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो इसका मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को रिलीज तो करेगा लेकिन बहुत स्लोली, और इतना स्लोली रिलीज कर सकता है कि हो सकता है कि हमें इनफ ऑक्सीजन सप्लाई ना मिल पाए, इसलिए बोहर इफेक्ट हमारे लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है, ठीक है। कैसे हुआ मैंने आपको समझाया।